आज चित्रा पब्लिकेशन का दूसरा चैप्टर त्रिकोणमिति इनवर्स फंक्शन का आइए देखते हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यहाँ पे दिया है टेन इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू ए। तो हमको पता करना है क्वाट ए बराबर क्या होगा। तो यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, सॉल्व करते हैं इसको। टेन इनवर्स 1/5 बराबर ए। देखिए टेन इनवर्स में है तो ये जब उधर चला जाएगा तो वह क्या हो जाएगा, टेन ए हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं टेन ए बराबर 1/5। चूँकि हम जानते हैं टेन ए बराबर होता है 1/cot A, इसलिए यहाँ से फ्रेंड हो जाएगा cot A बराबर 1/5। दैट विल बी आंसर। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ दिया है क्वेश्चन नंबर टू है, यदि sec इनवर्स x इज इक्वल टू ए देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ sec A। हमको sec A का मान ज्ञात करना है। यहाँ से देखिए हो जाएगा tan इनवर्स, सॉल्व करते हैं इसको, tan इनवर्स x इज इक्वल टू ए। तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर tan A। चूँकि हम जानते हैं कि 1 + tan² A इज इक्वल टू sec स्क्वायर ए होता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए फ्रेंड्स tan A का मान x है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसमें वैल्यू को पुट कर देते हैं। 1 + tan A का मान देखिए x है तो x का हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे बराबर sec स्क्वायर ए। अब यहाँ से देखिए फ्रेंड्स हो जाएगा sec ए बराबर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए स्क्वायर है इधर जाएगा तो अंडर रूट में हो जाएगा 1 + x² दैट इज फाइनल आंसर। अगला क्वेश्चन है, देखिए दिया है साइन इनवर्स x इज इक्वल टू π/3 देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स x। हम सॉल्व करते हैं, देखिए चूंकि वी नो दैट साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 होता है। तो यहाँ से हो जाएगा साइन इनवर्स x का मान हमको दिया है π/3। तो यहाँ पे हम लिखते हैं π/3 प्लस cos इनवर्स x बराबर π/2 cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस π/3। यह जो वैल्यू है इधर आएगी तो -π/3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, cos इनवर्स x इज इक्वल टू 3π -2π/6 हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा π/6, यानी कि cos इनवर्स x का मान हो गया π/6। दैट इज फाइनल आंसर। अगला क्वेश्चन दिया है फ्रेंड्स, देखिए sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू π/2 देन प्रूव दैट sin इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स y। इसको फ्रेंड्स सॉल्व करते हैं, यहाँ से देखिए हो जाएगा, चूंकि हम जानते हैं साइन इनवर्स, पहले क्वेश्चन को लिखते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू π/2। तो हम जानते हैं क्योंकि साइन इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू होता है π/2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ से हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स वाई। तो यहाँ से देखिए फ्रेंड्स हो जाएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स वाई बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स वाई, यानी कि हो जाएगा यहाँ से साइन इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा। इसकी जगह पे हम यहाँ से क्या वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ इसको अगर इक्वेशन फर्स्ट बना देते हैं तो यहाँ से देखिए यह जो वैल्यू है π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स वाई। तो यहाँ से लिख सकते हैं इसको कॉस इनवर्स वाई, यही हमको सिद्ध करना था। हेंस प्रूव्ड। अगला क्वेश्चन है, यदि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर 2π/3 तो दिया है कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का वैल्यू क्या होगा। आइए फ्रेंड्स सॉल्व करते हैं, चूंकि हमको मालूम है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू होता है π/2। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर हो जाएगा 2π/3। तो साइन इनवर्स एक्स का मान यहाँ से हो जाएगा π/2 माइनस कॉस इनवर्स वाई प्लस, अब साइन इनवर्स वाई का वैल्यू क्या होगा, π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स
इज इक्वल टू हो जाएगा 2π/3। यहाँ से देखिए, इसको इसको हम जोड़ देते हैं, π/2 + π/2 हो जाएगा आपका पाई, हो जाएगा माइनस कॉस इनवर्स वाई माइनस साइन इनवर्स एक्स बराबर 2π/3। यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, हो जाएगा π/2 + π/2 हो जाएगा पाई, हो जाएगा माइनस लगाएंगे कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू 2π/3। देखिए फ्रेंड्स, इसको उधर ले जाएंगे, हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, और इसको हम इधर लाएंगे तो हो जाएगा पाई माइनस 2π/3। यहाँ से हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू 3π - 2π, इसके बटे अगर हम एक मान लेते हैं हो जाएगा √3। यहाँ से हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर π/3। यही हमको प्रूव करना था, यही हमको आंसर लाना था, यही आपका आंसर हो गया π/3। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अगला क्वेश्चन है कॉट ब्रैकेट में टैन इनवर्स अंडर रूट में 3। यहाँ से अगर फ्रेंड्स देखिए, हम लिख सकते हैं इसको कॉट टैन इनवर्स अंडर रूट 3, इसको लिख सकते हैं। जैसे ही हम इसको लिखेंगे टैन, तो यह हो जाएगा टैन इनवर्स, जो इसका व्यापक मान है थीटा का वैल्यू है वो हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। टेन से टेन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा 1/√3, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला है सेम टू सेम क्वेश्चन है, यहाँ से देखिए हो जाएगा कॉट, इसको टेन को हम चेंज करेंगे कॉट इनवर्स में, कॉट इनवर्स में चेंज करेंगे तो 1/3 हो जाएगा। यहाँ से कॉट कॉट से कैंसिल हो जाएगा 1/3, यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दिया है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस ए कोसेक इनवर्स 1/x, सिद्ध करना है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ए, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स बराबर, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, एक्स बराबर हो जाएगा साइन ए, इसको हम लिख सकते हैं एक्स बराबर 1/ कॉसेक ए। अब देखिए फ्रेंड्स, इधर हम क्या करते हैं, यहाँ पे यक्स का वैल्यू पुट करते हैं, यक्स का वैल्यू समीकरण 1 से, यक्स का मान क्या है, यहाँ से देखिए हो जाएगा कॉसेक ए बराबर 1/x, यहाँ से ए बराबर हो जाएगा कॉसेक, अगर इधर ले जाएंगे तो इनवर्स इनवर्स में हो जाएगा कॉसेक इनवर्स 1/x, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ए का मान रखेंगे साइन इनवर्स साइड एक्स बराबर कॉसेक इनवर्स 1/x, यही सिद्ध करना था, हेंस प्रूव्ड। इसको हम फ्रेंड्स लिख देंगे।